जबलपुर जिले के सालेवाड़ा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बना एक पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसका वीडियो स्थानीय ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि यह पुल करोड़ों की लागत से बनाया गया था। पुल की हालत देखने के बाद अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुल नीह की कमजोरी के कारण से पुल बैठ गया सर, हैं इसमें पानी ओवरफ्लो आता है, इसके ऊपर से भी पानी निकल जाता है, हैं जनता रुक जाती है और इसमें ग्राम की जनता 5000 से ऊपर लगभग है सर, और उसका डेली आवागमन है, मजदूर लोग हैं, काम करने जाते हैं, सब लोग रुक जाते हैं, कोई काम धाम नहीं होता। मुख्य वजह क्या रही, किस वजह से ये पानी का सैलाब आया था क्या? अब सर बारिश तो तेज थी, हैं जंगल का पानी आता है बहुत सारा और 5-7 गांव इसमें पड़ते हैं, एरिया बहुत बड़ा पड़ जाता है, हैं इसलिए सर इसके ऊपर से पानी ओवर होता है। अब क्या मांग करते हैं? मांग ये है सर कि पुल बड़ा बनना चाहिए और इससे लंबा बनना चाहिए और मजबूती से बनना चाहिए सर। जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए सर। ये ग्राम सालीवाड़ा दिदवार की ग्राम पंचायत का मामला है जी। यहाँ ठेकेदार या कोई इंजीनियर ने नींह की कमजोरी किया, इसके वजह से बीच का पाया जो है बैठ गया, इसलिए पुल डाउन हो गया, यानी झुक गया, पूरा खराब हो गया, क्षति बना था ये पुल। ये पिछले साल बना था, पिछले साल बना था। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? हम तो मानते हैं ये इंजीनियर या ठेकेदार की, दोनों की। दोस्तों, न्यूज टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।